डंकी फिल्मों में होने वाले हैं एक से बढ़कर एक गाने। फिल्मों में एक एंटरटेनिंग सॉन्ग जो आपको थिरकने पर करने वाला है मजबूर। शाहरुख खान की डंकी फिल्म का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े क्रिटिक्स का तो कहना है कि शाहरुख खान की ये फिल्म जवान और पठान से भी आगे जा सकती है। हालांकि ये कोई मास फिल्म नहीं है बल्कि एक इमोशन ड्रामा फिल्म है, फिर भी बड़े बड़े क्रिटिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म हिंदी बेल्ट में 600 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। वजह है फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है, तो ऐसे में किंग खान के साथ आना मतलब सोने पर सुहागा वाला सीन है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों के गाने भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि डंकी फिल्मों में भी हमें एक से बढ़कर एक गाने देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्मों में एक जबरदस्त एंटरटेनिंग सॉन्ग रहने वाला है जिनमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल के साथ पूरी फिल्म की स्टार कास्ट थिरकती हुई नजर आएंगे। और खास बात ये है कि ये गाने में शाहरुख खान के साथ उनके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलेगी। शाहरुख खान की फिल्म हो और अरिजीत का गाना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाहरुख खान के आप किसी भी फिल्मों को देख लीजिए जिनमें अरिजीत सिंह का गाना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो डंकी में भी एक अरिजीत सिंह का गाना है जो कि काफी खूबसूरत है और दर्शक को काफी पसंद भी आएगा। अब आते हैं कि ये गाना आखिर रिलीज कब होगा, तो बता दें कि ये गाने को 2 हफ्ते के भीतर रिलीज किया जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2 हफ्ते यानी 15 दिनों के बीच आपको ये गाना देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर कि डंकी फिल्म की कहानी क्या होगी। तो ये फिल्म की कहानी इमोशन और कॉमेडी से भरपूर होगी। जब इंडिया में शाहरुख खान के साथ उनके जो भी फैमिली मेंबर है वो जब विदेश में काम करने के लिए जाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे तब हमें कई सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे, और जब वो उनकी जर्नी स्टार्ट होगी तब दर्शक रोने भी वाले हैं। यानी कि ये फिल्म आपको कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह पीके, थ्री इडियट, संजू जैसी फिल्में थी, क्योंकि वो सब फिल्में भी राजकुमार हिरानी ने बनाई थी और ये भी राजकुमार हिरानी ने ही बनाई है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है शाहरुख की फिल्मों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।